दिल भी चाहता है इंसान का जो अपने खूनी रिश्ते हैं उनसे इंसान को मोहब्बत हो, बशर्ते कि उसका दिल सलामत हो। अगर आपका दिल सलामत है तो आपको भाइयों और बहनों से मोहब्बत होगी, वालदैन से मोहब्बत होगी, अगर दिल सलामत है आपका। देखो इंसान गधा पालता है ना, गधा थोड़े दिनों में उस इंसान को गधे से मोहब्बत हो जाती है, बशर्ते कि ये पालने वाला खुद इंसान हो, गधा ना हो। ये खुद भी अगर गधा है तो फिर नहीं होगी, ये इंसान की फितरत है। तो अब आप बताओ, बचपन में बहन भाई जिन्होंने एक ही माँ के पेट से जन्म लिया, एक ही खून से, एक ही गोश से अल्लाह ने दोनों को बनाया, एक ही छाती से दोनों ने दूध पिया और कई सालों तक इकट्ठे खेलते रहे, बचपन में बहन भाई कैसा कैसी मोहब्बत करते हैं, कैसा खेलते हैं आपस में, और बिस्तर पे कैसा चिपक चिपक के सोते हैं वो। बहन भाइयों को एक जगह, भाइयों हो या बहने हो, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं एक ही बिस्तर पे सबको डाल दो, वो कलाबाजियां एक दूसरे पे खाते खाते सो जाएंगे। कई साल का अरसा है, तवील अरसा है जिसमें वो इस तरह से मोहब्बत के साथ रहते हैं। कितना गहरा रिश्ता, ब्लड भी एक, एक ही बाप ने जना, एक ही मां ने जना, और कई साल एक ही बर्तन में बैठ के खाया, कई साल एक ही साथ चिपक चिपक के सोते रहे, बातें करते रहे और खेलते रहे, कूदते रहे, और बड़े होकर फिर ऐसे एक दूसरे को भूल जाते हैं। तो ये जो भूल जाएंगे ये गधे होंगे कि नहीं होंगे, ये इंसान है क्या? तो गधे हैं ये। तो इंसान की फितरत क्या है, वो अपने बहन भाइयों से बोल लो ना यार मोहब्बत करता है। तो ये ख्वाहिश है, शरीयत ने इस ख्वाहिश को पूरा करने का हुक्म भी दिया, और अल्लाह की कैसी रहमत है, इस ख्वाहिश को पूरा करने पर सवाब भी रख दिया कि तुम्हारी अपनी भी अंदर की ख्वाहिश है तो इसको पूरा करो, सवाब मिलेगा। देखो सदका देना एक अजनबी को, उसमें सवाब है, और अपने करीबी रिश्तेदार को सदका देना डबल सवाब है। मुझे बात बताओ, दिल क्या चाहता है, अपने करीबी रिलेटिव को सदका करने का ज्यादा दिल चाहता है या दूर के आदमी को? करीबी रिश्ते दिल भी यही चाहता है यार, ये अपना है। अपने को गम में देखकर अफसोस ज्यादा होता है, दूसरों को गम में देखकर इतना अफसोस नहीं होता। दूसरों के तो हमें हालात पता चलते रहते हैं, ये हो गया, फलां का एक्सीडेंट हो गया, फलां का ये हो गया, ऐसे धचका नहीं लगता। अपने भाई बहनों में से किसी की इत्तला आ जाए, एकदम इंसान परेशान होता है ना, तरस आने लगता है उसको। तो शरीयत ने क्या कहा, गैर की मदद करोगे तो भी सवाब मिलेगा, अपनों की करोगे तो डबल। हालांकि दिल भी ये चाह रहा है। यही वजह है कि लोग जकात निकालने से पहले उलमा से पूछते हैं, मैं सगे भाई को दे सकता हूं? उनको डर लग रहा होता है, भाई ये तो अपना भाई है, इसको देने के तो क्या फायदा, ये तो अपना ही भाई है, ये तो अपनी ही ख्वाहिश पूरी हो रही है, इसलिए उलमा से पूछते हैं। तो उलमा क्या बताते हैं, भाई दुगना सवाब है भाई बहन को देने में, खाला फूफी ये जो करीबी रिश्ते हैं, चचा मामू, दुगना सवाब है, ये महरम रिश्ते हैं। और इसमें अपना दुनिया का फायदा भी है कि जब आप अपने करीबी पे खर्च करेंगे तो उसके दिल में भी आपकी मोहब्बत बढ़ेगी, और इस मोहब्बत बढ़ने का आपको फायदा होगा। अजनबी को देंगे तो उसके साथ तो आपका कोई लेना देना है ही नहीं, वो निकल लिया पतली गली से, ये पैसे वो निकल गया, फिर अगले दिन आएगा भाई कुछ, इतना ही ताल्लुक रहेगा उसका। अपने करीबी को दिया तो डबल फायदा, सवाब डबल हो गया, दुनिया के फायदे भी हासिल होंगे, उसके दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ेगी। इससे आपको क्या फायदे होंगे, आपकी मुखालफत कम हो जाएगी, खानदान में मुआशरे में आपकी इज्जत आपके खानदान में बढ़ जाएगी। इज्जत तो अपने खानदान ही में होती है असल, बाहर वाले तो सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम निकल लिए, उनका क्या ले, वो आपकी इज्जत अगर कर भी लेंगे तो कितना टाइम करेंगे, और करेंगे भी तो जब तक आपके अंदर कुछ सिफात हैं, नहीं है तो भाई वालेकुम सलाम।